आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि शिरडी के साईं बाबा का जो व्रत है और पूजा गुरुवार को क्यों करते हैं, गुरुवार का उनके लिए ही क्यों इतना महत्व है। देखिए, गुरुवार का दिन शिरडी के साईं बाबा का दिन माना जाता है, लेकिन उनका व्रत और पूजा गुरुवार को ही क्यों किए जाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारा जो देश हिंदुस्तान है, भारत है, साधु संतों की तपोभूमि है। समय समय पर कई संतों ने हमारे देश में जन जागृति की है। ऐसे एक महान संत थे साईं बाबा। हर साल लाखों लोग साईं बाबा का व्रत रखते हैं। साईं बाबा का व्रत गुरुवार के रखने के पीछे कहानी है। कैसे हुई गुरुवार की जो परंपरा है साईं व्रत की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी शहर में कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई रहते थे। महेश भाई झगड़ालू स्वभाव के थे और कोकिला बहन काफी भावुक थी। महेश भाई के झगड़ालू स्वभाव के कारण उनके सारे पड़ोसी भी उनसे परेशान थे, लेकिन कोकिला बहन महेश भाई को हमेशा संभाल लेती थी। महेश भाई के झगड़ालू और चिड़चिड़े स्वभाव से उनका व्यवसाय कामकाज धीरे धीरे ठप हो गया, जिसकी वजह से वो दिन भर घर पर रहने लगे और इससे और ज्यादा चिड़चिड़े हो गए। एक दोपहर जब कोकिला बहन अब क्या करें, होता ना कि यार अब क्या करें, इस चिंता में थी, तब उनके दरवाजे पर एक वृद्ध महाराज आए। उनकी कांति चमकदार थी और उनकी आंखों में अनोखा तेज था। उन्होंने भिक्षा के रूप में दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल झोली में डाले और महाराज को आदर भाव से नमस्कार किया। महाराज आशीर्वाद देते हुए बोले, साईं सुखी रखेगा। यह सुनकर कोकिला बहन ने तुरंत अपने जीवन का वर्णन करते हुए महाराज से कहा कि मेरी किस्मत में सुख नहीं लिखा है। इस पर उपाय बताते हुए वृद्ध महाराज ने कोकिला बहन को साईं व्रत के बारे में बताया। वह बोले कि 9 गुरुवार सिर्फ एक समय भोजन या फलाहार करना, संभव हो तो साईं मंदिर जाना, हर गुरुवार को साईं बाबा की पूजा करना और व्रत का उद्यापन करने के लिए भूखे को भोजन खिलाना, साईं तेरे सारे दुख दूर करेंगे। बस बाबा की असीम भक्ति करनी चाहिए। महाराज के कहने पर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार तक साईं बाबा का कड़ा व्रत किया। पूरी निष्ठा से उनकी अर्चना की और उद्दापन के दिन गरीबों को भोजन करवाया। धीरे धीरे महेश भाई के स्वभाव में भी बदलाव आया। फिर रोजगार जो है उनका फिर से चालू हो गया और घर में सुख शांति आ गई। कुछ दिनों बाद कोकिला बहन की जेठानी उनके घर आई। उन्हें बताया उनके बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं और परीक्षा में पास नहीं हो पाते। कोकिला बहन ने साईं व्रत की महिमा बताई और अपनी जेठानी से व्रत करने के लिए कहा। थोड़ी ही दिनों में उनकी जेठानी की चिट्ठी आई कि साईं व्रत करने से बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे हैं। कई महीने प्रयास करके भी उनकी सहेली की बेटी की शादी नहीं हो रही थी। साईं व्रत करने से वो भी अच्छी जगह पे तय हो गई। तो धीरे 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 साईं बाबा की जो महिमा है वो अपार होने लगी और लोगों में बैठ गया कि साईं बाबा कुछ दिन है, वो गुरुवार है, अभी साईं बाबा का व्रत कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा पर अगली वीडियो में। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।